दोस्तों आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि योनो लाइट SBI के मदद से कार्ड को कैसे मैनेज किया जाता है, यानी कि ATM कार्ड को कैसे मैनेज किया जाता है। आपका डेबिट कार्ड हो, चाहे आपका मास्टर कार्ड हो, चाहे आपका वीजा कार्ड हो, तो आप बहुत ही इजी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सब कैसे होने वाला है। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए, पूरा देखिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, वहीं पर सारा कुछ जानकारी आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो है योनो लाइट SBI ऐप्स को ओपन कर लेना है। तो ओपन करने से पहले आपको जो है लॉगिन करना पड़ेगा यूज़र नेम और पासवर्ड देके। आप चाहे तो MPIN से भी लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है योनो लाइट SBI के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे आपको ATM कार्ड को मैनेज करने के लिए एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, मैनेज कार्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यही है ऑप्शन। तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, मिलता है मैनेज डेबिट कार्ड का। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे कार्ड नंबर आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी कार्ड को आप मैनेज करना चाहते हैं उस कार्ड को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे पास एक ही कार्ड है, तो इसीलिए यही कार्ड से आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आपके पास दो कार्ड हैं तो आप उनमें से कोई एक का भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलता है, कुछ फीचर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको बारीकी से समझाऊँगा कौन कौन फीचर से क्या आप काम कर सकते हैं, किस फीचर से किस ट्रांजैक्शन को आप इनेबल बंद कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला फीचर है डोमेस्टिक यूजेज। इसका ये मतलब है अगर आप जो है भारत में यानी कि इंडिया में आपका ATM चलना चाहिए, यानी कि ट्रांजैक्शन आप लेन देन करना चाहते हैं, तो आप इसे ऑन ही रख सकते हैं, ठीक है, ऑन ही रहने दीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं मेरा जो है भारत में ट्रांजैक्शन नहीं हो, तो आप इसे ऑफ़ कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ऑफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल यूजेज, तो यहाँ पे आपको अगर आप विदेश में चाहते हैं ATM कार्ड को यूज करना, तो आप इसे ऑफ़ नहीं रहने दीजिए, इसे आप ऑन रख दीजिए। तो आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरे में जो है इंटरनेशनल यूजेज ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने ATM लेते वक्त ये आपने ध्यान दिया होगा कि आपका ATM जो है नेशनल तक ही वैलिडिटी है या इंटरनेशनल तक वैलिडिटी है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपका जो है ATM नेशनल है तो यहाँ पे डोमेस्टिक यूजेज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है ATM ट्रांजैक्शन। अगर आप चाहते हैं कि ATM ट्रांजैक्शन मेरा जो है ऑन रहे, यानी कि आप ATM से पैसा निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर ऑन ही रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ATM से मेरा पैसा कोई भी नहीं निकाल पाए ATM लेने के बाद भी, तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मर्चेंट POS ट्रांजैक्शन, यानी कि आप सारे जगह पे देखेंगे जैसे पेट्रोल पंप हो गया, दुकानदार के पास ये मशीन रहता है POS मशीन। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑप्शन जो है POS ट्रांजैक्शन आपका नहीं हो, तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। उसके बाद है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। तो बहुत सारे आप देखेंगे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट है, यानी कि यहाँ पे जो है शॉपिंग होता है, शॉपिंग नहीं करते हैं तो आप इसे ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये सारे ऑप्शन जो है हम ऑफ कर देते हैं, तो यहाँ पर बाकी जो फीचर बचा हुआ वो हमको देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए मैं इस फीचर को जो है आपको दिखाने के लिए तो सबमिट बटन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे पेज रिव्यू आ जाएगा। पेज रिव्यू आने के बाद आप यहाँ पे सही से देख पाएंगे कौन से ऑप्शन को आप कहाँ का इनेबल किए हैं, कहाँ कहाँ आप डिसेबल किए हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ आप देख लेंगे, उसके बाद आप कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे। तो कंफर्म बटन पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, तो उस OTP को आपको यहाँ पे जो है इंटर करना पड़ेगा। OTP को इंटर करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द रिक्वेस्ट चेंज फॉर योर कार्ड, आपका कार्ड का नंबर रहेगा, उसके बाद कंप्लीट सक्सेसफुल, प्लीज डू नोट दिस ट्रांजेक्शन नंबर फॉर यू रेफरेंस। तो आप जो है ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको चालू करना है तो फिर से आप होम पेज पर आएंगे, फिर से आपको मैनेज कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अगर आपका मन है कि नहीं मेरा जो है ATM ट्रांजैक्शन चालू रहना चाहिए, हम पैसा निकाल सकते हैं, तो फिर से वही ऑप्शन पे आएंगे चालू करने के लिए। उसके बाद मैनेज डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना कार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो फिर से आप इसको जो है
ऑन कर दीजिए, उसके बाद इंटरनेशनल यूजेज जो है हम ऑफ ही रहने देना चाहते हैं क्योंकि हम अभी विदेश नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एटीएम ट्रांजैक्शन जो है ऑन कर देते हैं, उसके बाद मर्चेंट पीओएस ट्रांजैक्शन भी ऑन कर देते हैं, उसके बाद ई कॉमर्स जो है ट्रांजैक्शन ये भी हम ऑन कर देते हैं क्योंकि हम अधिकतर शॉपिंग करते रहते हैं। उसके बाद ये जो बाकी जो फीचर बचा है इसका क्या काम है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी जो फीचर बचा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एटीएम लिमिट है, यानी कि आपका करंट लिमिट जो है एटीएम का 1,00,000 रुपया है पर डे निकासी का, ठीक है। तो अगर आप किसी व्यक्ति को एटीएम दे दिए हैं तो उस व्यक्ति को आप वो 1,00,000 भी निकाल सकता है दिन का। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा 5,000 ही निकले तो आप यहाँ पे 5,000 जो है सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सेट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए POS, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पेट्रोल पंप या दुकानदार में दुकान में ये मशीन आप देखे होंगे, जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि इसका जो करंट लिमिट है मेरे कार्ड में है तो 1,00,000 है, ये भी हम जो है 5,000 कर देते हैं। उसके बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे एक बार आप कंफर्मेशन के लिए एक बार बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से देख लें, उसके बाद फिर से आप कन्फर्म बटन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको इंटर करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट सक्सेसफुल, प्लीज डू नोट दिस ट्रांजैक्शन नंबर फॉर यू, रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे आपको दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं फिर से मैनेज डेबिट कार्ड के ऊपर जो है सेट हुआ है या नहीं हुआ है। फिर से अकाउंट नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कार्ड नंबर यहां पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरा जो है 5,000 जो यहां पे लिमिट सेट हो चुका है और यहां पे POS ट्रांजैक्शन जो है 5,000 सेट हो चुका है। अगर कोई भी व्यक्ति मेरा रिलेशन का भी अगर ATM लेके जाता है तो वो 5,000 से ज़्यादा ATM से नहीं निकाल पाएगा और POS ट्रांजैक्शन भी 5,000 से ज़्यादा नहीं कर पाएगा। अगर आपको इस ट्रांजैक्शन को बदलना चाहते हैं, 1,00,000 रुपया रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है मैक्सिमम लिमिट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप 1,00,000 दे देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे 1,00,000 दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे POS ट्रांजैक्शन भी हम 1,00,000 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, 1,00,000 तो नहीं करेंगे, 10,000 कर देते हैं। तो यहाँ पे 10 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम 10,000 दे चुके हैं। 10,000 देने के बाद उसके बाद सबमिट बटन पे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे फिर से आप पेज को रिव्यू कर लेंगे, उसके बाद कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको इंटर करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आप देखिए सक्सेसफुल हो चुका है। तो जैसे आपका पहले था वैसे ही आपका यहाँ पर रह जाएगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा जो है कम्प्लीट प्रोसेस जो है कैसे ATM कार्ड को मैनेज करते हैं वो मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूं। सो दोस्तों आप इसी तरीके से जो है अपने ATM कार्ड को जो है मैनेज कर सकते हैं, चाहे आपके पास डेबिट कार्ड हो, चाहे आपके पास मास्टर कार्ड हो, चाहे आपके पास वीजा कार्ड क्यों ना हो, बहुत ही इजी तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई समस्या आ रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप हमसे कुछ पर्सनली सवाल करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।